गुंजन इंटरनेट, ये दुकान पूरे मोहल्ले में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल ये बंद है और इसके बंद होने की वजह है सीमा हैदर और सचिन मीणा। यूपी के बुलंदशहर में गांव गंगाबास में रहते हैं सचिन मीणा के बुआ और फूफा। यहां फुफेरे भाइयों की मदद से सीमा हैदर के आधार कार्ड में हेरा फेरी कराने का आरोप लगा है। बुलंदशहर में नोएडा पुलिस ने सचिन मीणा की निशानदेही पर जनसेवा केंद्र पर छापा मारा, कुछ दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किए। साथ ही पवन मीणा और पुष्पेंद्र को नोएडा साथ ले गई पुलिस टीम। गाड़ी रुकी यहाँ पे, दो गाड़ी आई थी, गाड़ी रुकते ही उन दोनों भाई, दो भाई हम कंप्यूटर चलाते हैं यहाँ पर। क्या क्या नाम है उनके? नाम की मेरे को मालूम ना, पड़ोसी में दुकान में। अच्छा, दोनों भाई उठाए तुरंत उनको कंप्यूटर गाड़ी में लाकर लेकर उनने सवाल करे तो उठा के लगा दी, पिस्टल लगाई थी उनने, फिर निकाल दी उसमें सामने या बैठे गाड़ी में जाकर जाने, दोनों भाई उठा ले। अच्छा, पुलिस वाले थे वो? हाँ, सात वर्दी में थे। कितने लोग थे वो? चार लोग, और वो भी गोविंदा में सचिन। आपने देखा था सचिन को? हाँ, देखा वो सचिन गाड़ी में था। कौन सी गाड़ी आई थी? गाड़ी, दो गाड़ी थी मेरे में, नाम मालूम ना उनके गाड़ी में। सचिन भी बैठा हुआ? हाँ, सचिन बैठा हुआ था। दो वैसे और दो जने आए थे यहाँ पर, इन्होंने उठाने पकड़। ये सचिन की दुकान है जिसके पीछे? सचिन की दुकान है, दुकान किराए पे, दुकान किराए पे। बता दें कि सचिन मीणा और सीमा हैदर का केस अब धीरे धीरे उलझता ही चला जा रहा है। पुलिस हर एंगल से इसमें तफ्तीश करना चाह रही है और इसीलिए अब ग्रेटर नोएडा से शुरू हुए तार बुलंदशहर तक पहुंच चुके हैं। अरे सचिन कौन लगता है आपका? भतीजा। अरे सचिन कब आया था आपके यहाँ? एक साल पहले। अच्छा, कल किसके साथ आया था? पुलिस वाले के साथ। अच्छा, पुलिस क्यों लेकर आई थी उसे? आधार कार्ड के बारे में पूछने आई। अच्छा, तो कल दो लड़कों को भी पुलिस ने उठाया है। कहाँ गए वो बच्चे? छोटे बास के। वो क्या आधार कार्ड का काम करते थे? आधार कार्ड कोई करते होंगे। अरे कभी सचिन ने आपको ये बताया था कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर से प्यार करता हूँ, या कभी आपके यहाँ लेके आया हो? नहीं नहीं नहीं, तो कभी आपको बताया हो कि मैं उस लड़की से बोलता हूँ, चलता हूँ, कोई बात बताई हो उसके बारे में? कहते नहीं, बस एक दिन ही बताई बस, और फिर कुछ ना बताया काई बारे में कैसी थी, हमें पता ही ना काई बारे की कैसी। तो आपसे कब से बात नहीं हुई सचिन की? बतेर दिन है मतलब सचिन के बिना बात बारे। तो आपको कब पता पड़ी सचिन की वो पाकिस्तानी लड़की लिया है? अभी तो पता पड़ी, एक दो महीने पहले बस। अच्छा, और क्या क्या पता पड़ी आपको? और कुछ नहीं। तो कल जो पुलिस लेके आई थी तो पुलिस क्या पूछ रही थी? कुछ ना पूछी पुलिस वाले, बस घी पूछी थी। विनय के बारे में पूछा था? हाँ, नौ कही विनय कहाँ है, मेरे पेपर देने को विनय का। और क्या? क्या वो आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड कैसे बारे में, मतलब दुकान कहाँ है, कहाँ है वो लड़का, बस ऐसे पूछी थी वही थी। तो विनय कभी सचिन के साथ गया आधार कार्ड कराने? ऐसा मुझे ना पता, यहाँ बारे में मुझे ना पता कछु। सचिन कौन लगता है आपका? अच्छा, कल सचिन आया था आपके यहाँ? पुलिस के साथ। कहाँ की पुलिस आई थी? नोएडा। अच्छा, क्या कह रही थी पुलिस वाले? ये पूछताछ कर रहे हैं साहब, आधार कार्ड कहाँ बनवाए। और विनय कौन है? हमारा लड़का। तो आपसे लड़के के बताया जा रहा है कि आपके लड़के ने आधार कार्डों में हेरा फेरी कराई है? ना, ऐसा जी हमें जान पाई ना, कैसे कैसे करके मेरे को जान। अच्छा, आपका लड़का वैसे साथ गया था सचिन के साथ? बताने के साथ गया। और क्या क्या बता रहा था सचिन? कब तक कब कब आया आपके यहाँ? यहाँ हम तो देखो यहाँ साल भर पहले की बात बता रहे हैं, साल भर पहले आया कोई नहीं तो देखो ना। सचिन ने कभी सीमा हैदर के बारे में कुछ कर किया हो? जानकारी ना बताई, किसी तरह की कोई बात बताई हो सचिन ने? तो आपको कल पता पड़ी है? कल पता पड़ी है। उससे पहले सचिन नहीं आया आपके यहाँ? ना, साल भर पहले आया हुआ हो नहीं, देखो ना, वो बड़ा लड़का था आपके साथ ही। अच्छा, कल पुलिस लेके आई थी सचिन को, तो क्या यहाँ से दो लोगों को भी उठाया गया है? अहमदगढ़। अहमदगढ़ से? क्या काम करते थे वो? वही जनसेवा केंद्र को आधार कार्ड का काम बना रहे। ज्यादा कार्ड है, उन्होंने ज्यादा कार्ड बनाए। बनाया हम लोग। NBT ऑनलाइन के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।